हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका। सो दिस इज माय 28th लेक्चर ऑफ माय 80 लेक्चर सीरीज। और आज मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो जो मेरा ये कंटिन्यूशन में लेक्चर है, जो मेरा फर्स्ट पार्ट था जो कि लेक्चर नंबर 27 था, उसके कंटिन्यूशन में ये लेक्चर नंबर। हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब जैसे अब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि नहीं, वो जज को निकाल सकता है, तो जज डर के रहेंगे या कुछ ऐसा करके रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इस पर किसी का डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये जो कुछ पॉइंट्स है ये बताता है कि मतलब उसकी इंडिपेंडेंसी को शो करता है, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी को शो करता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटेड टू कीप डिस्टिंक्शन बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव इन मैटर ऑफ पब्लिक सर्विस। देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये गारंटी देता है कि भाई जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है, और जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है उन दोनों में एकदम अलग अलग उन दोनों के एकदम अलग अलग काम है अगर वो पब्लिक सर्विस से रिलेट करें तो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का एक अलग काम है, जुडिशरी का एक अलग काम है, तो दोनों के बीच में कोई इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है, एकदम अलग अलग है, तो एक ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये गारंटी देता है कि भाई इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, ये काम करता है, ये काम करता है। ठीक है, और दोनों के ऊपर, एक के ऊपर एक दूसरे का ऊपर नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को रूल कर रहा है या उसको मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड है बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। देखो, अब क्या होगा कि अगर कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का और उसका 65 एज हो जाता है और वो रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में, जो इंडिया का कोर्ट है उसमें प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ इन इंडिया। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेशन फंड। अब देखो, जो भी सैलरी अलाउंसेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के, ठीक है, पेंशन होते हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं, उनको कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। ठीक है, और ये जो आता है ये किस में, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड में आता है, मतलब कि पार्लियामेंट की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट की लेने की अनुमति की ज़रूरत नहीं है इनके पैसों के लिए। ऐसा नहीं है कि इनका पैसा रुक जाएगा, सैलरी रुक जाएगी, अलाउंसेस रुक जाएंगे, पेंशन रुक जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर चार्ज में आता है। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पहले के लेक्चर्स में। ठीक है, अब इनमें बहुत ही कम कंट्रोल या फिर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, एग्जीक्यूटिव का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है बट लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कांट बी रिमूव बाय एनी आर्बिट्री मैनर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको किसी भी चीज़ को लेके मतलब कह देंगे कि भाई ये ठीक है, इसे जजमेंट अच्छा नहीं किया, इसको निकाल दो। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी आर्बिट्री मैनर के लिए उसको निकाल नहीं सकते हैं। कोई अगर वैलिड रीज़न है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अगर सिर्फ वही अगर रीज़न है तभी वो उसको निकाल सकते हैं, वैसे कोई आर्बिट्री मैनर के लिए उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ही कैन ओनली बी रिमूव बाय द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिसाइडेड। वो रिमूव तभी होगा, उसी तरीके से होगा जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया हुआ है। ऐसे नहीं है पार्लियामेंट कुछ और लेके आ जाए या फिर कुछ भी लेके आ जाए और उसको रिमूव कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का जो टेन्योर है वो सेफ है। ठीक है, जो हमारा सिक्स पॉइंट है वो है फिक्स्ड सर्विस एलोकेशन। एनी कंडीशन ऑफ वर्क कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज विच गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जज। देखो क्या होता है, जो भी कंडीशन होता है वर्क का कंडीशन होता है या फिर वर्क कंडीशंस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जब अपॉइंटमेंट के बाद वो उनका जो वर्क कंडीशन है वो चेंज कर दिया जाए जो कि उस जज के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, ठीक है, अगेंस्ट हो, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ सेम होता है और एक फिक्स सर्विस एलोकेशन होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, कंडक्ट ऑफ जजेस, द कंडक्ट ऑफ जजेस कांट बी डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ जजेस। देखो, जो भी जज के डिसीजन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के डिसीजन होते हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर जो भी सेशन चलते हैं वहाँ पर डिस्कस नहीं किए जाते। ठीक है, वहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एक इंडिपेंडेंस जो है वो शो करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का। ठीक है, पावर टू पनिश फॉर हिज कंटेम्प्ट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर कोई उनके कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है, उनको बेइज्जती कर रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके सुप्रीम कोर्ट के पास जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उनके पास पावर होती है कि वो उस बंदे को पनिश कर सकते हैं। ठीक है,
आई एम नाउ ज्यूरिडिक्शन. देखो ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कांट बी डिक्रीज. ठीक है, अब जो भी ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा नहीं है कि उसको कम कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो पूरा का पूरा सोली किसके पास होता है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है. जो भी ज्यूरिडिक्शन की पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, और ऐसा नहीं है कि जो उनकी पावर्स हैं उनको वो डिक्रीज कर दे. तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उनको डिक्रीज नहीं किया जा सकता. तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बताते हैं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है. ठीक है, हमारे बाकी दोनों ऑर्गन से, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, इसलिए वो एकदम इंडिपेंडेंट रहता है, और कोई भी डिसीजन, कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी केस का सॉल्यूशन होता है, वो बहुत ही अच्छे से एक सही तरीके से देना देता है. अब मैं बात करता हूँ ज्यूरिडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. भाई अब क्या क्या पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास. ठीक है, देखो जो हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है ना, उसके पास पावर बहुत है. ठीक है, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, उसके पास जो भी सुप्रीम कोर्ट है हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो हमारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है उन सबसे. ठीक है, इट नॉट ओनली इज़ अ फेडरल कोर्ट बट इज़ ऑल्सो द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल कोर्ट नहीं है. ठीक है, ये एक फाइनल कोर्ट है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है. ये एक फाइनल कोर्ट है जहाँ पे आके आप अपील कर सकते हो, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स का जो है वो गारंटर है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट. अलॉन्ग विद दिस दे हैव एडवाइजरी एंड सुपरविजरी पावर अलॉन्ग विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. अब इसके पास इन सब पावर के अलावा इनके पास और कौन कौन सी पावर है? एडवाइजरी पावर है, सुपरविजरी पावर है, ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास. ठीक है, अब ये जो पावर्स है ना, ये मैंने कुछ इसको क्लासिफाई कर दिया कुछ टाइप्स में. ठीक है, जो सबसे पहला है वो है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सेकंड है हमारा रिट्स ज्यूरिडिक्शन, थर्ड है हमारा एपीलेट ज्यूरिडिक्शन, फोर्थ है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, फिफ्थ है हमारा रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, सिक्स्थ है हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सेवन्थ है हमारा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड सेवन्थ है हमारा अदर पावर्स. तो ये सब जो पावर्स हैं मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ ये सारे पावर्स, जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या ज्यूरिडिक्शन और क्या क्या पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की. देखो अब ये जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये बेसिकली रिफर करता है हमारा फेडरल करेक्टर को शो करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फेडरल करेक्टर को शो करता है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. ठीक है, देखो अब ये फेडरल करेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी मैटर है या फिर डिस्प्यूट है, ठीक है, हमारे इंडियन फेडरलिज्म में उसको रिजॉल्व करता है कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, उसको रिजॉल्व कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, या तो अगर देखो या तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या फिर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या फिर सेंट्रल और दो तीन स्टेट्स को मिला के डिस्प्यूट है, तो इन सब का डिस्प्यूट कौन सॉल्व करता है, कौन रिजॉल्व करता है? वो करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो अब ये जो ओरिजिनली एक्चुअली क्या था, जब 1950 में जब इसको क्रिएट किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, तो इसको इसी चीज़ के लिए क्रिएट किया गया था कि भाई जो भी डिस्प्यूट होगा ना सेंट्रल स्टेट के बीच में, स्टेट के बीच में, या सेंट्रल और अदर स्टेट्स के बीच में, ठीक है, तो इनको सॉल्व कौन करेगा? तो एक बॉडी चाहिए भाई सॉल्व करने के लिए. तो वो जो बॉडी रखी गई थी इनिशियली वो सुप्रीम कोर्ट रखी गई थी, बाद में धीमे धीमे करके उनकी पावर्स जो है वो बढ़ाते गए, और टॉप मोस्ट जो है वो हमारा जो कोर्ट बना वो सुप्रीम कोर्ट बना फिर. ठीक है, दिस ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इज एक्सक्लूडेड इन नेचर, दैट इज दिस पावर इज वेस्टेड ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट, नॉट एनी अदर कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, अब ये जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो पावर होती है किसके पास होती है? वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ना ही ये हाई कोर्ट के पास होते हैं, ना ही ये सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास होते हैं, और भी किसी भी कोर्ट के अंदर के पास ये पावर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की पावर होती है. चले मैं बात करता हूँ रिट ज्यूरिडिक्शन की. देखो अब ये रिट है ना, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इशू करता है कोर्ट या फिर कोई जुडिशियल ऑफिसर. ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है. ठीक है, रिट आर इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो बेसिकली जो रिट्स होते हैं ना, इसको इशू कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है. ठीक है, और जो मेन मोटिव होता है इस रिट को इशू करने का, वो क्या है कि भाई जो फंडामेंटल राइट है उसको एनफोर्स करने के लिए. ठीक है, अब ये कई टाइप के रिट्स होते हैं, तो बेसिकली पांच टाइप के रिट्स होते हैं. एक होता है आपका हैबियस कॉर्पस, एक होता है मैंडेमस, एक होता है प्रोहिबिशन, एक होता है क्यू वेरेंटो, एक होता है
सेट्यूरी, ठीक है। तो इन पांचों के बारे में मैं ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता है तो मैं अलग से डिफरेंट टाइप ऑफ रिट्स का एक वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली इन द केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिट्स जो है वो इशू कर सकता है किस केस में, जब किसी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा हो, ठीक है। और किसी लॉ के लिए नहीं ये रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के लिए रिट को जो है वो इशू कर सकता है, ठीक है। बट हाई कोर्ट के पास पावर थोड़ी सी एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है एक्स्ट्रा, कि जो हाई कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो जो रिट है वो इशू कर सकता है किसी भी केस के लिए या किसी भी लॉ के लिए, ठीक है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो चाहे वो कोई भी अदर लॉ हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है हमारे हाई कोर्ट को देन सुप्रीम कोर्ट से। तो दिस एक्स्ट्रा पावर ऑफ हाई कोर्ट कैन ऑल्सो बी एडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा पावर है हाई कोर्ट की, ये किसने ऐड किया है भाई, ये पार्लियामेंट ने ऐड किया है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन की, ठीक है। एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन की देखो, एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन इज द मेथड बाय विच एनी पर्सन बाय यूज ऑफ इट कैन अपील टू द हायर कोर्ट ऑफ लॉ इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। देखो अब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में गया या फिर लोअर कोर्ट में गया या फिर हाई कोर्ट में गया, वो ठीक है हाई कोर्ट में गया और वहाँ पे डिसीजन लिया, उसके फेवर में डिसीजन नहीं है या फिर उसको लगता है कि भाई उसके साथ नाइंसाफी हुई है और वो सेटिस्फाइड नहीं है उस डिसीजन से, तो वो क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है हायर कोर्ट में, ठीक है। मतलब कि वो अपील कर सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अगर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में गया है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, अगर वो हाई कोर्ट में गया है तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि भाई इस डिसीजन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप मेरा केस आप दोबारा से लीजिए, ठीक है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट वो केस ले लेता है और उसने अगर कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो वो फिर वो फाइनल डिसीजन हो जाता है उस केस का और वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी वेयर, वो कहीं भी चैलेंज नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद अगर जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो वो डिसीजन फाइनल है उस केस के लिए, अब वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं ये एक एपिलेट ज्यूरिडिक्शन है, उसके पास एक फाइनल एपिलेट ज्यूरिडिक्शन उसके पास है कि फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, अगर उसने जो डिसीजन दे दिया डेट इज़ फाइनल डिसीजन, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में। दिस डोनेट्स द एडवाइजरी रोल प्लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसके पास ये भी पावर होते हैं कि वो एडवाइस कर सकती है, ठीक है, वो एडवाइस कर सकते हैं, एडवाइजरी रोल प्ले करती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है ना वो कौन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है। जो सुप्रीम जो सबसे हाई लेवल पे अगर कोई इंटरप्रेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। हैंस एनी एडवाइस गिवन बाय इट इन टर्म्स ऑफ लॉ इज ऑलवेज करेक्ट, मतलब अगर कोई भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा, ठीक है, वो लॉ के हिसाब से एकदम ठीक होगा, ठीक है, लॉ के हिसाब से गलत नहीं होगा, लॉ के हिसाब से एकदम ठीक होगा। प्रेसिडेंट देयरफॉर हैज बीन गिवन द पावर अंडर आर्टिकल 143 टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी लीगल मैटर। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है आर्टिकल 143 में कि वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी लीगल मैटर के लिए, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की पावर है कि वो एडवाइस देता है, एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को किसी भी लीगल मैटर के लिए जो कि लॉ के टर्म में एकदम ठीक होगा। क्यों? क्योंकि ही इज द सुप्रीम इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की। द लीगल पोजिशन इन दिस कंट्री इज डेट द लोअर कोर्ट्स आर बाउंडेड टू फॉलो द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट बाउंडेड बाय इट्स ओन जजमेंट, इट कैन मेक नेसेसरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। देखो रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपना जजमेंट को चेंज कर सकती है, ठीक है। बाकी किसी भी लोअर कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो मतलब जो भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसको चेंज कर दे, ठीक है। मतलब अगर किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में वो जो है वो लागू होगा, जितने भी हाई कोर्ट है हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया में या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट है हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है, इंडिया के टेरिटरी के अंदर।
वो हर एक कोर्ट में वो डिसीजन लागू होगा, वही डिसीजन लागू होगा, बट सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का डिसीजन चेंज कर सकती है, ठीक है। वो अपने खुद के डिसीजन के लिए, अपने खुद के जजमेंट में वो बाउंडेड नहीं है, वो टाइम के साथ देख के, सर्कमस्टेंसेस के साथ देख के वो चीज़ें चेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो पावर है, इसको, इस पावर को बोलते हैं हम रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन पावर, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। चलिए अब मैं बात करता हूँ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की, ठीक है। द जजमेंट प्रोसीडिंग एंड एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी। देखो अब जो भी जजमेंट होता है, प्रोसीडिंग होती है या फिर एक्ट बनता है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सारे का सारा जो है वो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। कभी देखने के लिए कि हाँ इस जजमेंट में ये डिसीजन दिया था, ऐसी प्रोसीडिंग हुई थी, तो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। हम बात करते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर बाय विच सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ मेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उस लॉ को चेक करें कि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट तो नहीं कर रहा, किसी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को वो वॉलेट तो नहीं कर रहा। अगर वो ऐसा कर रहा है कि भाई उस कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ हैं, ठीक है, अगर वो उसको वॉलेट कर रहा है, हमारा कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ है वो हमारे किसी भी आर्टिकल को, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को वॉलेट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, नल एंड वॉइड का मतलब हो गया कि ये जो लॉ है ये आपका लागू नहीं हो सकता। तो ये पावर है हमारे किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइट टू डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वॉइड इफ डेट वॉलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो वॉलेट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पावर है, इस पावर को बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करती है, रिव्यू करती है किसी भी लॉ को, वो देखती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वो अगर वॉलेट कर रहा है तो उस लॉ को वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, और वो लॉ जो है वो हमारा आगे कंटिन्यू नहीं हो पाता, उसको वहीं पे रुक जाना पड़ता है। तो ये जो पावर होते हैं वो जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं कुछ अदर पावर्स की। इट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंट एंड कंट्रोल ओवर ऑल द कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री। देखो अब जो भी हमारी कंट्री का टेरिटरी है ना, उसके अंदर जितने भी कोर्ट है, जितने भी हाई कोर्ट है, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जितने भी ट्रिब्यूनल है, ठीक है, उस पर वो नज़र देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक तरीके से जुडिशियल सुपरिटेंडेंट की तरह वो काम करता है, एकदम टॉप अथॉरिटी है, वो देखती है और उनको कंट्रोल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्टीमेट इंटरप्रेटर है अगर हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कौन है, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ होते हैं ना, वो बाइंडिंग होते हैं हर एक कोर्ट में, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जितने भी इंडिया के जितने भी सारे कोर्ट हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी लॉ होगा वो बाइंडिंग होगा हर एक कोर्ट में, चाहे वो जितने भी हाई कोर्ट हो, चाहे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे ट्रिब्यूनल हो, कुछ भी हो, ठीक है। इट इज़ ऑथराइज टू विदड्रॉ द केस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अगर कोई भी केस पेंडिंग है हाई कोर्ट के पास, तो वो कभी भी किसी भी टाइम उस केस को वहाँ से विदड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है, और खुद से उस केस को आगे कंटिन्यू कर सकता है, उस पर डिसीजन दे सकता है, ठीक है, और उसको रिजॉल्व कर सकता है। तो ये जो पावर होती है, ये होती है हमारी किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। इट हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। अगर उसका कोई भी जजमेंट है किसी केस को लेके, वो कभी भी किसी भी टाइम उस जजमेंट को चेंज कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है, ठीक है। इट इंक्वायरी इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी ऑन रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अगर प्रेसिडेंट ये बोलता है कि भाई ठीक है, अगर किसी चेयरमैन या फिर मेंबर ने, जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो उसने कुछ भी ऐसा कुछ गलत किया है, कुछ किया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट बोलता है कि भाई आप इंक्वायरी करो, ठीक है, इनके ऊपर, और देखो कि भाई इन्होंने क्या गलत किया है, क्या गलत नहीं किया है। तो ये जो पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, और प्रेसिडेंट रेफरेंस करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट बोलता है कि आप ऐसा करो, ठीक है। इट डिक्लेयर द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इसके पास पावर होती है कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसको सॉल्व करती है। तो ये पावर जो होती है वो किसके पास होती है, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो जो भी अगर डिस्प्यूट है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये
डिस्प्यूट किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, वही कोई एक फाइनल डिसीजन लेगी और वो जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा और बाइंडिंग डिसीजन होगा। चले अब मैं बात करता हूँ, ये कुछ तीन टर्म होते हैं, एक एक्टिंग CJI होता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, एक एडहॉक जज होता है, ठीक है, और एक अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज होता है। ये तीन टर्म है, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक्टिंग CJI कौन होता है, देखो एक्टिंग CJI कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन केस देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ CJI, ठीक है। अगर CJI नहीं है ऑफिस में और CJI की सीट खाली है, वैकेंसी है वहाँ पे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, किसी भी जज को अपॉइंट कर देगा एज एन एक्टिंग CJI, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की के ऑफिस में जगह खाली है, वैकेंसी है, या फिर वो ऑफिस में नहीं है, तब तक जिसको अपॉइंट करेंगे, जिस जज को वो अपॉइंट करेंगे, वो काम करेगा एज एन एक्टिंग CJI। उसके बाद जैसे ही हमारा ओरिजिनल CJI आ जाएगा या फिर कोई नया अपॉइंट हो जाएगा, फिर बाद में जो एक्टिंग CJI है वो वापस से अपना जज में आ जाता है, अपने दोबारी जो उसका पहले जो पोस्ट था उसमें आ जाता है, ठीक है। चले अब एडहॉक जज क्या होता है, एडहॉक जज इज अपॉइंटेड बाय द CJI विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ क्वोरम इन द सुप्रीम कोर्ट। देखो अब क्या होता है कि अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है कि केसेस ज़्यादा हो गए, ठीक है, या फिर उनका जो है कोई भी सिटिंग बैठने के लिए क्वोरम नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, कोई भी डिसीजन के लिए उतने जज नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ जो भी कुछ है, ठीक है, तो क्या करेगा, तो CJI अपॉइंट करेगा कुछ जज को, बट उससे पहले वो कंसर्न करेगा प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट से कंसर्न करने के बाद वो अपॉइंट करेगा जज को और वो एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह वो काम करेंगे वहाँ पे, ठीक है, उस क्वोरम को फिल करेंगे, वहाँ पे काम करेंगे और जब ये काम हो जाएगा फिर से वो जज वापस में हट जाएंगे, ठीक है। तो उन जज को बोलते हैं एडहॉक जज। वो अपॉइंट कौन करता है, CJI अपॉइंट करता है, किसके किससे कंसर्न करके, प्रेसिडेंट से कंसर्न करके, ठीक है, किससे कंसर्न करके, प्रेसिडेंट से कंसर्न करके। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। हम बात करते हैं अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जज। देखो अब इसमें क्या होता है ना कि देखो कभी कभी क्या होता है कि जो भी हमारे रिटायर्ड जज होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं, उसको क्या करता है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, अगर कभी ऐसा हो गया कि भाई काम बहुत ज़्यादा हो गया कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसके उसको जल्दी जल्दी सारे केसेस को सॉल्व करना है, ठीक है, तो और उसके पास इतने ज़्यादा जजेस नहीं है क्योंकि उनके पास 31 जजेस है और वो सारे मिलके वो सारा काम टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करता है, तो CJI क्या करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है, वो प्रेसिडेंट से कंसर्न करता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मतलब राइटिंग में रिक्वेस्ट करता है जो भी रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो बोलता है कि आप आओ कुछ टाइम के लिए, ठीक है, आप जज बनो हमारे सुप्रीम कोर्ट के और जो भी एक्सेस वर्क है हमारे साथ उसका काम करो, और वो जब जैसी वो काम ख़त्म हो जाएगा फिर वो वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है और इसको बोलते हैं हम अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जज, ठीक है। तो रिटायर्ड जज की कभी कभी ऐसे ज़रूरत पड़ जाती है, जब एक्सेस काम आ जाता है तब CJI अपॉइंट करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है राइटिंग में रिटायर्ड जज को कि आप आओ और ये जो चीज़ काम है ये हमारा आप साथ में हमारी मदद करके पूरा कर दो, ठीक है। और जब रिटायर्ड जज जो है जब वो परफॉर्म करेगा जज का रोल, ठीक है, मतलब अभी रिटायर्ड जज है वो अब आ गया, ठीक है, उसको राइट मतलब उसको CJI ने राइटिंग में भेजा, ठीक है, और उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो आता है, ठीक है, तो उसको जो है ना सैलरी जो मिलेगी, सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगी, वो वही मिलेगा जो हमारे जज को मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है, ठीक है, तो वही सैलरी वही अलाउंसेस मिलेंगे जो हमारे रिटायर्ड जज है उसको, जो हमारे जज को मिलती है सुप्रीम कोर्ट के अभी, ठीक है। तो एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाइस आज के लिए इतना ही, यहाँ से पे मैं सुप्रीम कोर्ट पूरा ख़त्म कर चुका हूँ, ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है।